दिनों बिहार की सियासत में सरगर्मी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है। जहां एक तरफ ये बातें लास्ट सामने आ रही थी कि महागठबंधन की सरकार में फूट हो चुकी है और जल्दी ही महागठबंधन की सरकार टूट जाएगी, वहीं आज बिहार विधानसभा का पहला दिन था मॉनसून सत्र का, जो कि काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार रहा। और दूसरी तरफ आज महागठबंधन की अहम बैठक थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सारे महागठबंधन के बड़े नेता शामिल हुए। और जिन जिन लोगों ने बयानबाजी का सिलसिला शुरू किया था बिहार की सियासत में, चाहे बात करें शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के प्रकरण को लेकर और के पाठक के बारे में, उसके बाद आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह, लगातार सुधाकर सिंह भी बयानबाजियों में शामिल थे, लेकिन अब इनके सुर बदल चुके हैं, बिहार की सियासत बदलती हुई नजर आ रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अंशु झा है। सर, क्या लगता है इस बैठक के बाद क्या महागठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, महागठबंधन की सरकार में सब कुछ पहले से भी ठीक है। ठीक है, देखिए, महागठबंधन की सरकार जब बनी थी तो कुछ नीति और कुछ पॉलिसी के कारण बनी थी। हम सबसे पहले अपने एडिटर से कहेंगे जो वो सभी बाइट को एक बार प्ले करते हैं। सुनील जी, ये बात सामने आ रही है, मुख्यमंत्री जी ने आपको कुछ बोला है क्या? नहीं, हमको नहीं पता है जी, हमको कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा कि आप हमको कुछ भी जानकारी नहीं है। आपका विवाद नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई विवाद नहीं। कहा जा रहा विवाद का, कोई विवाद नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारे लीडर तेजस्वी यादव जी, साफ उनका कहना है कि किसी भी प्रकार का जो बयान के लिए अधिकृत है वही बयान देगा, ना आप हाँ बोलिएगा और ना आप ना बोलिएगा। उनको हम लोगों को हराना है, इसी इन्हीं विषयों को लेकर के हमारी बैठकें थी। सीधा निर्देश है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है इस देश में। उस जो संगठित तरीके से देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं लोग, महंगाई रिकॉर्ड छू रहा है, ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल कर देना। कहाँ हमको, मेरी जानकारी में तो कहीं कुछ विवाद तो था नहीं। कहीं आप लोग के पास है ऐसा क्या सूचना? दोनों तरफ से बहुत बयान चले हैं जी। नहीं, आज वाले बैठक में तो कुछ हुआ नहीं। सुनील सिंह भाजपा से मिले हुए हैं? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा कोई भी। अब मैं जहाँ तक बैठक में था, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई वहाँ पर। मुख्यमंत्री जी और सुनील जी में कोई नहीं, ऐसा कोई भी वहाँ घटना नहीं हुआ। मेरी जानकारी में ऐसा कोई घटना नहीं हुआ। अरे अरे, चोट भी लग गया, ऐसा कर रहे हैं। अभी विधायक दल की बैठक थी और 5 दिन का सदन है, आज समाप्त हो गया, 4 दिन और सदन है। सदन में मुस्तैदी से अपनी बातों को रखनी है और सशरीर रहना है जब तक सदन चले, और पार्टी के काम को आगे बढ़ाना है, महागठबंधन को और मजबूती से आगे बढ़ाना है, और बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने दिया है, और देश के पूरे विपक्षी एकता को एक मंच में लाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। आज उन्होंने गुरु मंत्र दिया है और बीजेपी को भगाना है, देश को बचाना है। कोई विवाद नहीं है, ऑल इज वेल, कोई विवाद हम लोग में नहीं है। महागठबंधन एक है और हम सब लोग भाजपा को भगाने के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, कोई फटकार नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं है, और ऑल इज वेल। महागठबंधन पूरे तौर पे तरीके से चल रही है और आज भी है और आगे भी महागठबंधन रहेगी, सरकार मेरी चलती रहेगी। तो तमाम दर्शकों ने जो है बाइट सुनी तमाम लोगों की। देखिए, एक्चुअली जब के पाठक और शिक्षा मंत्री का प्रकरण हुआ था, उसके बाद से लगातार तमाम तरह से जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था, चाहे वो इधर से अशोक चौधरी की हम बात कर लें या फिर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की बात कर लें या फिर सुधाकर सिंह की बात कर लें। और सुधाकर सिंह अक्सर जो है कई दफ़े उन पर जो है उनको समझाया भी गया है, कई दफ़े उनको बोला भी गया है जो आप बिना पे बचा का ना बोलिए, तमाम बातें हुई है। लेकिन एक समय फिर ऐसा हुआ था, ऐसे में ये लग रहा था कि भाई ये हो क्या रहा है, दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है, ऊपर के लोग खामोश हैं और बयानबाजी जो है वो चल रही है। तो ऐसे में जब तेजस्वी यादव कल जब विदेश से इंडिया वापस आते हैं, इंडिया से पटना आते हैं अपने पिताजी के साथ, तो कल के ही बयान से ये चीज़ें तय हो गई
जो जो ये देखने को लगा था जो आने के साथ ही इन तमाम चीज़ों पर जो है ब्रेक लगाएंगे, इन तमाम चीज़ों को जो है रोकेंगे, और वही हुआ। और आज आप देखेंगे, जब आज आप देखिए विधानसभा का प्रकरण देखिए, एक ही गाड़ी से जो आप मतलब जो सुर देख रहे थे तमाम तरफ, कयास लगा था आखिर क्या होगा, क्या सरकार रहेगी या फिर क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें सामने आ रही है, तो इन चीज़ों पर सबसे पहले सुबह ही विराम लगा दिया गया, क्योंकि एक ही कार में तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेज प्रताप यादव जो मंत्री हैं वन पर्यावरण, ये तमाम तीनों लोग जो हैं एक साथ विधानसभा पहुंचते हैं, वैसे ही ब्रेक लग गया जी। इन तमाम जो खबरें चल रही थी बस तमाम ब्रेक लग गए। और जब महागठबंधन की बैठक हुई तो अभी विपक्ष जो है बीजेपी खास करके अपनी रूख में है, अख्तियार की हुई है, 13 तारीख को पूरा विधानसभा घेराव मार्च है, तमाम चीज़ें हैं। अगर ऐसे में सत्ता पक्ष में फूट हो तो, अगर फूट सामने आएगी तो लाजमी है कि बीजेपी को घेरने के लिए जो है घेरना आसान हो जाएगा, वो आसानी से घेरेगी। तो ऐसे में जब भी सत्र होता है तो तमाम दल जो है अपने अपने विधायक दलों के साथ बैठक करते हैं, तो इन बैठक में भी ये बातें सामने आई, जो बातें सामने आ रही हैं, जो बाइट से लग रहा है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही है, जो इन लोगों पर जो लोग बयान दे रहे थे, चाहे दोनों दल के लोग, इन लोगों पर जो है कहा गया है जो पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता है उसके बयान को ही माना जाएगा, और इन लोगों का बयान देने से परहेज करते हुए परहेज करना है, इन लोगों को बयान नहीं देना है। और ख़ास करके जब बाइट आप ने दर्शकों को सुनाया, तो बाइट में आप देखेंगे तो सुनील सिंह जी जो है ये करते नजर आ रहे हैं, जो हमारे जो आदरणीय नेता है लालू यादव या फिर हमारे जो युवा नेता है तेजस्वी यादव जी जो हमारे लीडर हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है जो आप ना हाँ कहेंगे ना ना कहेंगे, आपका जो काम है वो करिए, बयानबाजी आपको नहीं देना है। और सुधाकर सिंह ने भी क्या कहा, हम लोग को हमारा एक ही लक्ष्य है बीजेपी को हराना है। भाई वीरेंद्र ने क्या कहा, जो हम लोग का एक ही लक्ष्य है बीजेपी कैसे हारेगी और हम लोग इंटैक्ट है। देखिए ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आप 2-3 दिन पहले में अगर जाएंगे तो कई ऐसे लोग हैं जो कई तरह से जो है इन चीज़ों पर तमाम लोग, चाहे वो सीधा नाक पकड़े चाहे घुमा के नाक पकड़े, लेकिन मतलब मेरा कहने मतलब ये है जो आदमी सीधा बात करे चाहे उल्टा मुंह बात करे, लेकिन बातें सामने आ रही थी, बातें कई दफे चीज़ें सामने आ रही थी, तो ऐसे में सभी लोगों को लग गया था, कई लोग ये चीज़ें भाई ये क्या हो गया सरकार। सर एक सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली, आज बहुत दिन बाद वो मीडिया के सामने आए, और बहुत दिन बाद आए सामने, बोले भी हैं, और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव और नीतीश कुमार जी तीनों आदमी साथ ही विधानसभा है, वहीं पर जो है सीधा आप समझ सकते हैं पूर्ण विराम लग गया, जो अब कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि बेंगलोर में बैठक भी प्रस्तावित है, विपक्षी एकता दूसरी बैठक प्रस्तावित है, ऐसे में यहाँ जो हालात थे इससे ये लग रहा है, इससे ये कयास लगाया जा रहा था, आखिर ऐसे में कैसे आगे का रास्ता तय हो सकेगा, जब यहीं पर, क्योंकि उस दिन बैठक के बाद नीतीश कुमार ऑलमोस्ट शांत हो गए थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, और तेजस्वी यादव भी बाहर निकल गए थे तमाम तरीके से। उसके बाद शिक्षा मंत्री का प्रकरण सामने आ गया था, उसके बाद लगातार दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही थी, अशोक चौधरी की तरफ से उधर से आरजेडी की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही थी, तो ऐसे में जो है ये सब लेकर के जो है काफ़ी कहीं ना कहीं मुश्किल जो था, एक संकट के जो बादल जैसा प्रतीत हो रहा था, जो क्या आखिर अब क्या हो सकता है, जब इतनी मशक्कत से मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है विपक्षी एकता की नींव रखी गई है, काफ़ी आगे तक पहुंचाया जा चुका है, और कई मतलब लोगों का जो है ये है जो बिहार से बिहार के लिए लोग कहते भी थे, कार्यकर्ता कहते थे जो बिहार के लिए गौरव का बात होगा अगर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पद के उम्मीदवार होंगे, ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन बहरहाल ऐसे में जब इस तरह की चीज़ें विपक्षी एकता की बैठक के बाद सामने आने लगी, तो लाजमी है जो आने वाले समय को लेकर के चिंता का बड़ा विषय था, जो क्या ऐसे में अब क्या हो सकता है, लेकिन स्नेहा ये चीज़ों पर जो है फिलहाल अब विराम लग गई है। और आप तमाम जो दल जो आरजेडी के चाहे जदयू के लोगों का अगर बात आप सुनेंगे तो बात से आपको लग जाएगा, तो सच में उन्हें जो है मतलब एक दायरा में एक जो उनकी सीमा है उसमें रहने की जो हिदायत दी गई है, और बोलने के लिए भी जो है बोलने से बचते हुए क्या बोलना है आपको क्या नहीं बोलना, ये सब बातें सिखाई गई सर। लेकिन ये भी एक देखने वाली बात है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव भी नहीं थे, तेजस्वी यादव भी नहीं थे, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की जो गाड़ी थी वो बिना इंजन की नहीं तो बिल्कुल, इसीलिए ना जब आने के बाद तो सब कुछ देखिए, जैसे कल आए रात भर में सब शॉर्ट आउट हो गया जी, मतलब कहीं ना कहीं अहम भूमिका में भी, क्योंकि देखिए सरकार अगर मतलब एक तरह से आप जिस मिशन से आए थे जी, जो आप कह रहे हैं जो हमें बीजेपी को हराना है, एकजुट होना है, आगे बढ़ना है, तो ऐसे में कैसे आगे बढ़ पाएंगे, तो मतलब आप सबका सुर एक ही हो गया है कि 2024-25 में अभी तक फिलहाल तो यही दिखता नजर आ रहा, आगे क्या होगा ये देखने वाली बातें होंगी। चलिए देखिए बिहार की सियासत कल तक कुछ और थी, आज कुछ और है, आज सुबह से ही लगातार बिहार की सियासत
बदली हुई नजर आ रही थी, जहां कल तक ये कयासे लगाए जा रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि एक सप्ताह में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी त्यागनी होगी। वहाँ इन सब बातों पर और इन सब मुद्दों पर अटकलें को पूर्ण विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेज प्रताप यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक साथ विधानसभा पहुंचे। और जब वो पहुंचे तो इन सारी बातों पे वही पूर्ण विराम लग गया। और जिस तरीके से महागठबंधन के नेताओं का बयान आ रहा, कहीं ना कहीं ये उनको सलाह दी गई है कि अपनी जबान पे थोड़ी सी लगाम लगाए और दायरे में रह के बयानबाजी करें। बहरहाल मेरा नाम स्नेहा गुप्ता, हमारे सहयोगी अंशु झा हमारे साथ थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।